आज के इस वीडियो में हम सिंपल सी कुर्ती को एवरीडे के लिए कैसे मेकअप कर सकते हैं, कैसे हेयर स्टाइल बना सकते हैं और कैसे अपने लुक को अट्रैक्टिव बना सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो मैं इस कुर्ती को स्टाइल करने वाली हूँ और मैंने इसे फ्लिपकार्ट पर से परचेज की है सिर्फ 499 रुपीज़ में। तो अगर आप भी ये कुर्ती और प्लाजो परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसे परचेज कर सकते हैं। इसका मटेरियल जो है वो बहुत ही अच्छा है, कॉटन का है। तो आप अगर एक अफोर्डेबल रेंज में प्लाजो एंड कुर्ती ढूंढ रहे हैं तो आपको एक बार ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए और साथ ही में उसे कैसे स्टाइल करना है वो भी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मेकअप की शुरुआत करने से पहले हमें हमेशा ही अपने चेहरे को क्लीन एंड साफ़ रखना चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर चेहरे को वॉश कर लेंगे और उसे साफ़ कर लेंगे। क्योंकि अभी समर चल रहा है तो मैं यहाँ पर आइस क्यूब का यूज़ कर रही हूँ। आपको लेना है कोई भी एक पतला सा कॉटन का कपड़ा और उसमें रख देना है आइस क्यूब और उसके बाद अपने चेहरे की 5 मिनट्स तक मसाज करनी है। क्योंकि अभी समर है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है आइस क्यूब से अपने चेहरे पर मसाज करने में। नाउ आपको होगा कि आइस क्यूब से चेहरे पे मसाज क्यों, क्योंकि आइस क्यूब जो है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्राइमर का काम करेगा। तो कभी भी अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप आइस क्यूब का यूज़ एज अ प्राइमर कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल को आपको अपने चेहरे पे लगा लेना है। अभी मैं यहाँ आयुष का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो एलोवेरा जेल अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं। अगर आपको एलोवेरा जेल नहीं लगाना है तो आप उसकी जगह कोई भी अच्छा फेस क्रीम या तो मॉइस्चराइज़र का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कंसीलर का। यहाँ पर मैं बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करके अपना एवरीडे का मेकअप बना रही हूँ। अगर आप यहाँ पर चाहे तो बीबी क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं अभी उसे स्किप कर रही हूँ और यूज़ कर रही हूँ डायरेक्टली ही कंसीलर को। जहाँ पर भी डार्क सर्कल से या तो छोटे छोटे पिंपल्स और दाग धब्बे आपको लग रहे हैं उसे आप कंसीलर की मदद से छिपा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ कंसीलर का ही यूज़ करेंगे और किसी भी तरीके का बेस यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे। पर मैं ब्लेंडिंग करने के लिए एक ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पर जो ब्यूटी ब्लेंडर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने हाथ से यानी कि उंगली से भी उसे सेट कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस है कि आप उसे मतलब किसकी मदद से सेट करना चाहते हैं। नाउ कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर का। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो आप किसी भी लूज पाउडर का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि कंसीलर जो है वो मैंने पूरे चेहरे पे लगाया है तो वो ज़्यादा केकी ना दिखे, इसलिए हम पाउडर से उसे सेट कर लेंगे और जितना अच्छा हम ब्लेंडिंग करेंगे उतना अच्छा लुक आपको मिलेगा। यहाँ पर हम कोई भी हैवी लुक क्रिएट नहीं कर रहे हैं एवरीडे में, यानी कि ऑफिस में या तो स्कूल में कॉलेज में रेगुलर में हम एक लाइट मेकअप ही कैरी कर सकते हैं। तो मैंने ये एकदम ही प्रैक्टिकल लुक यहाँ पर क्रिएट किया। नाउ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ काजल का। काजल हमारी आंखें जो होती है वो पॉपअप दिखती है, थोड़ी सी बड़ी दिखती है। वैसे भी मेरी जो आईज है वो बहुत ही छोटी छोटी है तो काजल करने के बाद वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अगर आप आईलाइनर का यूज़ करना चाहे तो आईलाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इस लुक के लिए सिर्फ काजल ही कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर लिपस्टिक का यूज़ करके ही अपने जो चीक है वहाँ पर मैंने ब्लश बनाने की कोशिश की है। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आपको उतना ड्रामेटिक लुक पसंद नहीं है, ब्लश करना पसंद नहीं है, तो आप ये जो स्टेप है उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं यहाँ पर एकदम ही नेचुरल दिखे ऐसी शेड वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ जो लुक के साथ एकदम ही जा रही है। और ये है हमारा सिंपल सा मेकअप। कितना आसान था, हमने बहुत कम चीज़ों का यूज़ करके ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। मेकअप तो हमारा हो गया, अब हम हेयर स्टाइल बना लेते हैं। हेयर स्टाइल भी यहाँ पे मैंने एकदम ही इजी रखा है। सबसे पहले आपको अपने बालों को साइड पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद जो छोटा वाला पोर्शन है साइड पार्टीशन का, वहाँ पर
सबसे पहले थोड़े से बाल लेने हैं, उसे राउंड राउंड घुमाते जाना है और पीछे की ओर टिक टिक पिन की मदद से कनेक्ट कर देना है। अगर आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा है तो आप यहाँ पर मैंने जैसा 2 बार किया है ऐसा आप 3 या 4 बार भी कर सकते हैं। एंड नाउ साइड पार्टीशन का जो बड़ा वाला पोर्शन है वहाँ पर सबसे पहले हम आगे से थोड़े से बाल छोड़ते हुए एक छोटी सी चोटी बना लेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी चोटी नहीं बनानी है क्योंकि हमें इसे ऐसे ही खुला रहने देना है, तो जितनी बहुत बड़ी भी नहीं और छोटी भी नहीं, उस तरीके की चोटी अगर हम बनाएंगे तो लुक जो मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। सिंपल सी चोटी ही बनाई है यहाँ पर, मैंने कुछ और नहीं किया है। और उसके बाद ये चोटी जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से ही थोड़े से बाल लेके हमें यही स्टेप को रिपीट करना है, यानी कि दूसरी एक चोटी बनानी है यहाँ पर। क्योंकि कुर्ती का जो कलर है वो एकदम ही न्यूट्रल कलर है, तो अगर आप चाहें तो कुछ कलरफुल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो 2 रबर बैंड लिए हैं वो एक पिंक है और एक मरून लिए हैं। ये सिर्फ लुक को एनहांस करने के लिए मैंने ऐसे कलर्स लिए हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल रबर बैंड लगा लेंगे तो भी यहाँ पर चल जाएगा। तो हेयर स्टाइल हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई है और अब हम चलते हैं कि कुछ एसेसरीज कैसे स्टाइल करते हैं तो ये जो कुर्ती का लुक है इसे हम और एनहांस कर सके। नाउ इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ झुमका का। यहाँ पर जो झुमके हैं उसमें ऑक्सीडाइज के हैं, हाथी बने हुए हैं और ये दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। किसी भी कुर्ती के साथ अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या पहनूँ तो झुमके एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपके पास झुमके नहीं है तो आपको एक आध झुमके तो रखने ही चाहिए अपने पास, किसी के भी साथ चल जाते हैं। नेक का जो एरिया है वहाँ पर वैसे तो पूरा ही पैक दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक लंबा सा स्टेटमेंट नेकलेस का यूज़ कर रही हूँ। नाउ बैंगल्स में मैं यहाँ पर एक वुडन का बैंगल पहन रही हूँ, सिंगल ही वुडन बैंगल है और ये वेस्टर्न एंड कुर्ती दोनों के साथ अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और बैंगल्स उतने पसंद नहीं है तो आप एक ऐसा बड़ा सा वुडन का बैंगल लेके रखिए, वो किसी भी आउटफिट के साथ बहुत ही स्टाइलिश लगता है। और एंड में हम यहाँ पर वॉच पहन लेंगे, वो भी मेरा जो कुर्ती का सेट था उसी के साथ मुझे मैचिंग वाली मिल गई, तो ये वॉच जो है वो भी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर रही है इस लुक को। तो ये है पूरा लुक। अब यहाँ पर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कुर्ती के साथ कौन सा पर्स और कौन सी जूती हम कैरी करेंगे तो इस पूरे लुक को हम बहुत ही अट्रैक्टिव बना पाएंगे। पर क्योंकि यहाँ पर मैंने इंडियन लुक क्रिएट किया है और इंडियन लुक बिंदी के बिना बिल्कुल भी अधूरा है, तो एंड में मैं लगा रही हूँ एक छोटी सी बिंदी जिससे एक इस लुक को एक बहुत ही अच्छा एक टच मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं, पूरा ही मैं आपको दिखाती हूँ कि खड़ी होके कि ये लुक कैसा लगता है। यहाँ पर लुक को कंप्लीट करने के लिए हमने यूज़ किया है एक बड़े से पर्स का। आप आपके पास जो भी है और आपके जो भी आउटफिट्स है उसके साथ सेट हो ऐसा कोई भी पर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और एंड में जूते में मैंने यहाँ पर फ्लावर वाले फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ किया है जो कि पहनने में कम्फर्ट है। अगर कहीं पर चलना है, स्टेयरकेस चढ़ना है तो भी ईजिली हम उसमें ये कर पाते है। और मैंने ये एकदम ही प्रैक्टिकल एवरीडे के लिए लुक बनाया है, तो आई थिंक फ्लिप फ्लॉप्स इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो ये था आज का वीडियो। हमने फटाक से बहुत ज़्यादा मेकअप का भी यहाँ पर मैंने यूज़ नहीं किया है, एकदम ही मिनिमल प्रोडक्ट से हमने ये लुक क्रिएट किया है। दिखने में ये एकदम ही अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा तो ये नेचुरल लग रहा है। अगर आप भी ये लुक क्रिएट करते हैं तो अपने फ़ोटोज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी डेली लाइफ की अपडेट्स एंड कुछ फैशन हैक्स डालती रहती हूँ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।